गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 में कोलोइड्स हम शुरू कर चुके हैं और कोलोइड्स का ही एक सब टॉपिक टाइप्स ऑफ कोलोइड्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी टाइप के कोलोइड्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक बार मैं तुम्हें ऑरली बता देती हूँ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, स्पेशली डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम वापस मैं एक बार रिपीट करती हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में था। डिस्पर्शन मीडियम हम यहाँ पर सॉल्वेंट को बोल रहे हैं, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है वही यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो डिस्पर्शन मीडियम हमने सॉलिड लिया है, लिक्विड लिया है, या डिस्पर्शन मीडियम हमने गैस लिया है, उस पर डिपेंड करते हुए कोलोइड्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबसे पहले बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, DM का यहाँ पर मतलब है डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है कि जो कोलोइड है उस कोलोइड का कौन सा टाइप होने वाला है, इसलिए हमने उसको डिस्पर्शन मीडियम के बेस पर ही क्लासिफिकेशन मान लिया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसमें आता है सोल, सबसे पहले जो कैटेगरी आती है सोल। सोल में तुम्हें याद रखना है सोल बराबर सोल्यूशन, क्योंकि बाद में बहुत कन्फ्यूजन होता है सोल में और जेल में। सोल बराबर सोल्यूशन, और सॉल्यूशन में तुम पहले से जानते हो कि सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट एक सॉलिड होता है और सॉल्वेंट एक लिक्विड होता है। बस वही यहाँ पे याद रखना कि अगर सॉलिड हमारा डिस्पर्शन मीडियम है, सॉलिड हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम है, तो जो कैटेगरी है कोलोइड की वो सोल कैटेगरी आएगी। सॉलिड इज डिस्पर्स्ड फेज एंड लिक्विड इज डिस्पर्शन मीडियम। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल सेलुलर फ्लूइड्स, जितने भी टाइप के फ्लूइड्स हमारी बॉडी की सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा पेंट्स, इसका एक एग्जांपल, जो दीवारों पर पेंटिंग की जाती है या ड्राइंग बनाने के लिए जो पेंटिंग की जाती है उसमें जो हम पेंट्स लेते हैं, लिक्विड जो पेंट्स लेते हैं, वो पेंट इसका एग्जांपल, सोल का एक एग्जांपल। देन कम टू सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड टाइप ऑफ कोलोइड्स, एंड दीज आर जेल्स। जेल्स बिल्कुल उल्टा याद रखना कि जो हमने सोल में बोला था उसका एकदम उल्टा। सोल में हमने क्या कहा था कि डिस्पर्स्ड फेज एक सॉलिड, यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड। सोल में हमने क्या कहा था कि डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है। देखो मैंने यही बोर्ड पर लिखा है, अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, तब जो टाइप आता है कोलोइड का उसको जेल बोला जाता है। और बहुत सारे जेल मॉडर्न लाइफ में हमारे आसपास अवेलेबल है, जैसे एक हेयर पर लगाने के लिए भी जेल आता है, स्किन पर लगाने के लिए भी जेल आता है, एंड देर आर सो मेनी जेल्स। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे चीज पनीर, वो भी एक तरह का जेल है। देन दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा जेलीज, जितने भी टाइप की जेलीज आती है, जैसे गुआवा जेली, अमरूद की बनी हुई जो जेली आती है, और बहुत सारी जेलीज आती है बनी हुई, तो वो जो खाने वाली जेलीज होती है, ये दो कॉमन एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए हैं। बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास अवेलेबल है, वो हम एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी एक एक दो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जो ज़्यादा सुटेबल एग्जाम्पल। देन कम टू द थर्ड कैटेगरी एंड इट्स नेम इज इमल्शन। इमल्शन से तुम वेल फेमिलियर हो, रोज इमल्शन को देखते हो अपनी लाइफ में, लेकिन उसका नाम इमल्शन नहीं जानते, ठीक है। इमल्शन होता क्या है, अगर डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, अगर दोनों ही लिक्विड है, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम। एग्जांपल मैंने इसका लिखा है मिल्क, एंड यू आर वेल अवेयर अबाउट द मिल्क। मिल्क को रोज ही हम देखते हैं, ठीक है, मिल्क को हम रोज ही अपने फूड में एक डाइट की तरह से लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। देन हेयर क्रीम, बालों में लगाने वाली जो क्रीम आती है, और कुछ ऑयल्स भी ऐसे होते हैं जो काफ़ी गाढ़े होते हैं, तो वो हेयर क्रीम ही होती है और वो इमल्शन का ही एक एग्जाम्पल होती है, जिसमें लिक्विड को ही लिक्विड में डिजोल्व किया जाता है। तो ये तीन हमारी बेसिक कैटेगरी हैं डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, सॉल, जेल एंड इमल्शन। अच्छा, अब एक टेबल मैंने बोर्ड पर बनाई हुई है, और वो टेबल किसके लिए है कि डिस्पर्शन मीडियम का स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है, कि अगर डिस्पर्शन मीडियम हमने ये लिया तो सोल का नाम भी स्पेसिफिक हो जाता है, फिर हम उसको सोल, जेल या इमल्शन ना बोलकर हम उसका स्पेसिफिक नाम देते हैं, ठीक है। उस टेबल को देखते हैं एक बार। देखो डिस्पर्शन मीडियम अगर वाटर है, अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है
तो सोल का नाम हाइड्रोसोल दिया जाएगा, इसको फिर हम हाइड्रोसोल बोलते हैं। डिस्पर्शन मीडियम अगर अल्कोहल है तो कोलोइड का नाम अल्कोसोल दिया जाता है, ठीक है। और डिस्पर्शन मीडियम अगर एयर है तो कोलोइड का नाम एरोसोल दिया जाता है, बाद में सोल लगाते रहते हैं। और अगर डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन है, एज ए सोलवेंट अगर हमने बेंजीन लिया है, तो जो सोल का नाम दिया जाएगा वो बेंजोसोल दिया जाएगा। अब एग्जाम में ये बताने का मेरा पर्पस क्या है कि एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफाइन एरोसोल, डिफाइन बेंजोसोल, डिफाइन एल्कोसोल, डिफाइन हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल का एक और दूसरा नाम भी, वो भी मैं साइड में लिख देती हूँ, हाइड्रोसोल का दूसरा नाम दैट इज एक्वासोल। एक्वासोल नाम देने के पीछे रीजन है कि एक्वा वर्ड का मीनिंग भी वाटर ही होता है, हाइड्रो वर्ड का मीनिंग भी वाटर ही होता है, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, अपना सेकेंड पॉइंट, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ऑफ व्हाट पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये मैं और इसमें ऐड करती हूँ, पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। देखो सिंपल सा मीनिंग है, डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम में मिलाया जाता है, ठीक है। मिलाने में अगर हमें आसानी है, ईज है, कंफर्टेबल है, अगर दोनों चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं तो हमारे फर्स्ट कैटेगरी के सॉल्व मिलते हैं, और अगर दोनों चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, किसी ना किसी मैकेनिकल मेथड से उनको मिलाना पड़ता है, या तो उनको ग्राइंड करना पड़ता है, या फिर उनको मिक्सर में डालना पड़ता है, तो या फिर उनको हीट करना पड़ता है, कोई भी अगर मैकेनिकल मेथड फॉलो करना पड़ता है तो हमारे दूसरे कैटेगरी के सॉल्व बनते हैं, लायोफोबिक सॉल्व। अब ये जो मैंने मेथड्स मैंने तुम्हें बताए हैं, ये मेथड्स भी अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जो टॉपिक इसके बाद आने वाला है, वो टॉपिक क्या है, हाउ टू प्रिपेयर कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन को हम कितने मेथड से बना सकते हैं, कैसे कैसे बनाया जा सकता है। अब अपनी फर्स्ट कैटेगरी पे फोकस करते हैं, दैट इज लायोफिलिक कोलोइड्स। लायोफिलिक वर्ड का मीनिंग है, लायो वर्ड का मीनिंग है लिक्विड, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड्स लेटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ये लेटिन लैंग्वेज के इंग्लिश में मीनिंग्स निकले हुए हैं। लायो इज द वर्ड ऑफ लेटिन एंड द इंग्लिश मीनिंग इज लिक्विड, लिक्विड। फिलिक वर्ड का मीनिंग है अट्रैक्टिंग, अट्रैक्टिंग मीन्स लविंग, जो लिक्विड में आसानी से डिजोल्व किया जा सकता है। अब इसका सेंटेंस मीनिंग क्या आएगा, वो सोल, वो कोलोइडल सॉल्यूशन जिसको लिक्विड में आसानी से डिजोल्व किया जा सकता है, ठीक है। लिक्विड कौन से, जो हमने यहाँ पढ़े थे, इन डिस्पर्शन मीडियम जो हमने पढ़े थे, इन डिस्पर्शन मीडियम में जो भी सोल ईजिली डिजोल्व किया जा सकता है उसको हम लायोफिलिक सोल बोलते हैं, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं इसके लिए अपनी आइडेंटिफिकेशन, दूसरे पर आता है लायोफोबिक। लायो वर्ड इज द सेम, इट मीन्स अगेन वी हैव टेकन लिक्विड, देन फोबिक इज डिफरेंट। फोबिक वर्ड फोबिया, अपने दिमाग में लेके आओ, फोबिया, फोबिया मतलब डर, लिक्विड से डर लगता है, इसे नहीं घुलता है लिक्विड, जबरदस्ती घोलना पड़ता है लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो फोबिक वर्ड का मैंने यहाँ लिखा रिपेलिंग, हटाएगा उसको पीछे, डिजोल्व नहीं होना चाहेगा लिक्विड में, या हेटिंग, लिक्विड से हेट करता है, ठीक है, लिक्विड में इजीली डिजोल्व नहीं होगा, हमें जबरदस्ती डिजोल्व करना पड़ता है। सो दीज आर कॉल्ड लायोफोबिक सोल्स, ठीक है। दोनों के मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। लायोफिलिक सोल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। देखो कपड़ों में जो कलफ लगाया जाता है वो स्टार्च का सोल्यूशन होता है, और कुछ नहीं होता है, स्टार्च का सोल्यूशन होता है, और 12th क्लास के प्रैक्टिकल में ये स्टार्च सोल बनाने के लिए है। जब स्कूल खुलेंगे, अपनी लेबोरेटरीज ओपन हो जाएंगी, तो वहाँ पर स्टार्च का सोल का प्रिपरेशन तुम्हें दिया जाएगा, और फॉर श्योर वो एग्जाम में भी आएगा। सारे बच्चों को तो स्टार्च सोल नहीं मिलेगा, लेकिन वो एग्जाम में तुम्हें मिलेगा बनाने के लिए। तो जो कलफ लगाया जाता है कपड़ों में, जो कलफ लगाया जाता है, ठीक है, कैसे लगाते हैं, स्टार्च का एक पाउडर आता है डब्बे में, उस पाउडर को पानी में डिजोल्व कर देते हैं, डिजोल्व करने के बाद कपड़ों को थोड़ी देर के लिए उसमें भिगो के रखते हैं। तो ये जो स्टार्च का हमने सोल्यूशन बनाया पानी में डिजोल्व करके, दिस इज कॉल्ड लायोफिलिक सोल ऑफ स्टार्च और स्टार्च सोल, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा लायोफोबिक एग्जाम्पल्स में आते हैं, बहुत सारे मेटल्स के भी सोल्स बनाए जाते हैं, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो मेटल्स हैं, कुछ के नाम मैं बताती हूँ, जैसे सिल्वर का सोल बनाया जाता है, गोल्ड का सोल बनाया जाता है, ठीक है, और जिंक का सोल बनाया जाता है। तो ये कुछ मेटल्स हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत हार्ड मेटल्स होती हैं,
इजीली हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते पीसेस में, तो उनको जबरदस्ती डिजोल्व करना पड़ता है लिक्विड में. तो जो जबरदस्ती डिजोल्व करके बनाए जाते हैं दे आर वेरी यूजफुल सोल्स, बहुत जगह यूज होते हैं ये सोल. तो जो सिल्वर सोल है, मेटल का सोल है, मैंने पहले एग्जाम्पल लिखा मेटल सोल, एनी मेटल, एनी डीप ग्लो कैन, हमें पता होना चाहिए स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री कि हम डीप ग्लो के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो डीप ग्लो का जो सोल बनाया जाता है सिल्वर का सोल कॉमन है, कॉम सबसे ज़्यादा यूज हुआ, इसलिए एग्जाम्पल में नीचे स्पेसिफाई किया कि सिल्वर का सोल इसी तरह बनाया जाता है. तो दो तरह की हमारी कैटेगरी हो गई. अब इन दोनों कैटेगरी को मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ. द लिक्विड लविंग सोल्स आर कॉल्ड लायोफिलिक सोल्स, एग्जाम्पल स्टार्च सोल. द लिक्विड हेटिंग सोल्स आर कॉल्ड लायोफोबिक सोल्स, एग्जाम्पल सिल्वर सोल. तो एग्जाम में डिफ्रेंशिएशन के लिए भी आता है. तो अगर डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन एंड द सेकेंड पॉइंट शुड बी द एग्जाम्पल, क्योंकि उससे ज़्यादा पॉइंट्स में नहीं पूछा जाएगा, छोटा टॉपिक. ठीक है, अब उसके बाद आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है और इसको अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको नीचे अलग हेडिंग दिया है स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल्स. देखो लायोफोबिक सोल जबरदस्ती बनाए जाते हैं लेकिन फिर भी हम उनको स्टेबल करके रख लेते हैं, हम उनको स्टोर करके रख लेते हैं. अब उसके पीछे रीज़न क्या होता है, कैसे स्टोर किया जाता है. लायोफिलिक सोल भी आसानी से बन जाता है. अगर किसी भी वजह से पानी इसमें से चला भी गया, फिर से मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल तुम्हें बताती हूँ कि हमने कपड़ों के अंदर खलफ लगाया था, स्टार्च के सोल में डिप किया था, कपड़ों को हमने बाहर सुखा दिया, सुखाने के बाद जितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया था, जितना वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ था, वो पूरा वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस, इवेपोरेट हुआ. अब हम चाहते हैं कि वापस से स्टार्च का सोल्यूशन बना लिया जाए, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े को वापस पानी के अंदर भिगोना है. भिगोने के बाद कपड़े का जो कलफ था, जो उसने एब्जॉर्ब किया हुआ था, क्लोथ के पार्टिकल के बीच बीच में जो स्टार्च एब्जॉर्ब हुआ था, वो एब्जॉर्ब वापस से पानी में डिजॉल्व हो जाएगा. इसका मतलब ये एक स्टेबल सोल है, कभी भी इसको रिक्रिएट किया जा सकता है, कभी भी इसको बनाया जा सकता है. जो सॉल्वेंट किसी वजह से निकल गया है, फिल्टर होने की वजह से निकल गया, या फिर इवेपोरेशन से अगर सॉल्वेंट रिमूव हुआ है, तो उसको अगर हम वापस डालते हैं सोल के अंदर, तो सोल हमारा दोबारा से बन जाता है. सो दीज आर कॉल्ड स्टेबल सोल्स. इसीलिए हेड ने यहाँ पर स्पेसिफिकली लायोफोबिक सोल्स के लिए लिखा. अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लायोफोबिक सोल्स स्टेबल और गिव रीजन लायोफोबिक सोल्स आर अनस्टेबल एंड अ स्टेबिलाइजर इज मिक्स्ड टू स्टेबिलाइज देम. ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसका एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिखा है केवल, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, डिस्क्रिप्शन तुम्हें नोट्स में लिखना है. एग्जाम्पल में जैसे एक हमने सोल लिया AgBr का सोल, सिल्वर ब्रोमाइड का हमने सोल है हमारे पास, सिल्वर मेटल का सोल है और उसके साथ साथ ब्रोमाइड लगा हुआ होता है. सोल जब भी बनेगा, भले ही हम उसको सिल्वर सोल बोल रहे हैं, वो जब भी बनेगा उसके साथ कोई ना कोई निगेटिव आयन जरूर लगा हुआ होता है वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए. ये जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे तब उसमें तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का सोल यही सोल, इस सिल्वर ब्रोमाइड के सोल को हमें स्टेबल करना है क्योंकि ये लायोफोबिक सोल है, मेटल का सोल है, ईजिली नहीं बनाया गया था, बहुत परेशानी से हमने बनाया इसको, बहुत एक्सपेंसेस के साथ बनाया. अब हम इसको खोना नहीं चाहते, इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं. हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, केवल एक लायोफिलिक सॉल इसके अंदर डिजोल्व करना, और वो लायोफिलिक सॉल जिलेटिन, इसके अंदर जिलेटिन डिजोल्व किया जाता है. जनरली जब इसको प्रिजर्व करके रखते हैं तो जनरली जिलेटिन मिला के रखा जाता है. तो जिलेटिन मिलाने से क्या होगा कि जो सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल है उसकी नेचर है कि वो सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसकी नेचर है कि वो किसी दूसरे सॉल से इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहेगा, दूसरे सॉल से इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगा. तो जिलेटिन अपनी जगह आसानी से बना लेता है सोल पार्टिकल के बीच बीच में, और जब वो जगह बना लेगा तो कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं आएगी कि सिल्वर ब्रोमाइड इकट्ठे हो जाए पार्टिकल एक साथ, और सिल्वर ब्रोमाइड एक तरफ हो जाए और जिस सॉल्यूशन में इसको डिजोल्व किया था वो एक तरफ हो जाए. तो वो कंडीशन हम अवॉइड कर देते हैं, वो कंडीशन आने ही नहीं देते हैं, जिलेटिन इसमें मिक्स कर. ठीक है, तो ये सोल हमारा प्रिजर्व करके रखा जाता है और स्टेबल सोल हो जाता है, क्योंकि जिलेटिन ने यहाँ पर उसको स्टेबलाइज करने का काम किया है, इसलिए जिलेटिन को यहाँ पर स्टेबलाइजर का नाम दिया जाता है. तो जो लायोफोबिक सोल्स हैं उनको स्टेबलाइजर मिलाकर स्टेबल बनाया जाता है, रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है.
ठीक है, अभी और भी ये टॉपिक बाकी है, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.